और दोस्तों ये है लखनऊ का वेटिंग रूम। तो गाइस ये हमारे नीलाम। तो गाइस आशा करता हूँ, आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, काशी श्रीपति चैनल। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मैं वेट था, 15 मार्च डे फ्राइडे, और आपके साथ आपके अंश भाई काशी चैनल पर स्वागत है। तो गाइस जो हमारी ट्रेन जर्नी वाली होने वाली है आज 12876 नीलांचल एक्सप्रेस ऑन वे आर टू 1RC। तो गाइस चलते हैं अभी प्लेटफॉर्म पे, जो हमारी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आएगी और सुबह 7:30 बजे हैं और अभी बज रहे हैं 4:30। हम लोग जल्दी इसलिए आए क्योंकि इससे पहले कोई ट्रेन नहीं थी आनवियर के लिए, इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, आपको प्लेटफॉर्म पर दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग अभी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 है। और अभी लोग तो यहाँ पर इतना है नहीं, खैर थोड़ा सर्वे करते हैं स्टेशन के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में। दोस्तों आनवियर में कुल 7 प्लेटफॉर्म है और डेली यहाँ से 286 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है। और मैं स्टेशन की बात करूँ, ये दिल्ली में आता है ये, खैर आनवियर टर्मिनल। और यहाँ पे आप जब भी आएंगे तो आपको 2 स्टेशन मिलेंगे, एक ये आनंद विहार और एक ये आनवियर टर्मिनल। आनंद विहार वो है जहाँ से जैसे कोई भी ट्रेन आ रही है वो जो न्यू दिल्ली साइड जा रही है तो वो आनंद विहार होके जाएगी, और जो आनंद विहार तक ही है तो आनवियर टर्मिनल आएगी। और स्टेशन कोड आनंद विहार का है ANBD जो कि दिल्ली पड़ता है। गाइस आप लोग कभी भी आनंद विहार टर्मिनल आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी साफ सफाई होती है, मतलब ये स्टेशन बहुत नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे आएंगे तो आपको काफ़ी मन लगेगा, आप देख ही सकते हैं वहाँ पे भी कर्मचारी सुबह भी लगे पड़े हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है बिल्कुल। तो गाइज हम लोग अभी आए हुए हैं बाहर, तो सोच रहे हैं कुछ खाने पीने के, देख रहे हैं यह है आंदोलन कुछ बाहर से इंटीरियर आनंद विहार टर्मिनल। अंदर इतनी क्राउड नहीं है जितनी बाहर क्राउड है, अंदर तो बिल्कुल खाली पड़ा है। जिस प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ वहाँ पर बिल्कुल ही भीड़ नहीं है। तो गाइस चलते हैं, देखते हैं कुछ बाहर अच्छा खाना मिलता है कि नहीं मिलता। गाइस आनंद विहार रेलवे स्टेशन को नॉर्थन इंडियन रेलवे कंट्रोल करता है जो कि ये दिल्ली में आता है, वेस्ट दिल्ली में आता है ये। तो गाइस हम लोग अभी बाहर से आए, कुछ खाने के लिए अच्छा मिला नहीं तो हम लोग ये मिल लिया अभी, तो चलते हैं अभी प्लेटफॉर्म पे क्या सिस्टम है। गाइस जब मैं अभी तक जितने बार भी यहाँ पे आनंद विहार टर्मिनल आया हूँ मुझको यहाँ की एक बात काफ़ी अच्छी लगी है, यहाँ की साफ सफाई और यहाँ की साफ मैनेजमेंट एक नंबर। मैं 100 में 100 दूंगा और इंडियन रेलवे को शुक्रिया करूँगा STC के लिए कि ऐसा काम आनंद विहार के लिए बहुत अच्छा करती है। तो यहाँ से कई ट्रेन 289 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है हर जगह के लिए। तो चलते हैं अभी अपने प्लेटफॉर्म पर। गाइस आनंद विहार टर्मिनल से एक वंदे भारत ट्रेन में चलते हैं जो कि कानपुर और लखनऊ होते हुए अयोध्या जाती है, वो अभी डिपार्ट कर रही है। तो गाइस अभी हो चुका है सुबह बिल्कुल अच्छे साफ मौसम से, और अपनी लोकोमोटिव यहीं पे आएगा और अपना कोच बीच में शायद पड़ रहा है S5। हमारा जो कोच नंबर है वो S5 579 साइड लोगों को पहले बता दिया था मैंने ये बात। और हमारे ट्रेन की बात करते हैं, ये ट्रेन
पहले डायरेक्ट आंध्र चल के अलीगढ़ रुकेगी, अलीगढ़ के बाद ये आपका कुंडला, फिरोजाबाद, कानपुर, लखनऊ होते हुए आपको वाराणसी, वह चलती पूरी तक है। मैं वाराणसी तक ट्रैवल करूँगा, आपको पूरा एक्सपीरियंस बताऊँगा इस ट्रेन की एक्सपीरियंस कैसी है, क्या सर्विस अच्छी है इसमें, और भाई साहब आपके लिए तो भाई आप बिल्कुल अच्छे हैं। और आप, मैं भैया जब भी एक बात सजेस्ट करता हूँ, आप जब भी आइए कहीं भी ट्रैवल करिए तो आप लिक्विड बहुत पीजिए, तो लिक्विड आप काफ़ी लीजिए, और मैंने भी लिया है अमूल मिल्क केसर। और दोस्तों सुबह सुबह का पूरा जर्नी होने वाला था, आप लोग पूरा जर्नी बना रहे हैं, सुबह सुबह की जर्नी और भी मस्त होने वाली है। तो गाइस वेब 7 के साथ गाजियाबाद का वेब 7 लगा हुआ आया है दोस्तों, इसमें नीलांचल एक्सप्रेस पाया, देख सकते कैसी भीड़ है। दोस्तों बहुत भीड़ है अभी इस ट्रेन में, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, कोच में जा रहे हैं बिल्कुल ही, चलते हैं अभी। S5 और हल दोस्तों हम लोग एंट्री कर रहे हैं नीलांचल में, नीलांचल एक्सप्रेस में हो गए एंट्री। तो गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं अपने सीट पे 79 नंबर, ये ना अब बैठ चुके हैं, और अभी ट्रेन चलने में भी आधा घंटा बाकी है यहाँ से। गाइस चलिए मान लो इसका वेब सब आपके लोकोमोटिव पर टूर करवाते हैं एक बार। दोस्तों गाजियाबाद का वेब पॉइंट लगा हुआ है आप लोकोमोटिव, अभी शायद कानपुर में चेंज हो सकता है ये लोकोमोटिव, और ये सब होने वाला है आप लोग। गाइस चलिए हम लोग करवाते हैं सीट टूर अपना, कोच का टूर कैसा है। यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट दे रखा है, एक सही काम है, वो भी चल रहा है, काम कर रहा है। और यहाँ पे दो सॉकेट है नीचे ऊपर, जिससे मैं अपने एक चार्ज कर रहा हूँ, और दो सीट काफी साफ सुथरा है, और यहाँ पे एक बढ़िया काम पर मिरर दे दिया। दोस्तों आइए इसको ट्रेन की कोच असेंबल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस ट्रेन में 2 जनरल बोगी है और 6 स्लीपर कोच है और 11 एसी कोच है, और इसमें एक पेंट्री कोच भी शामिल है। तो गाइस ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है, येलो सिग्नल आ चुका है, अब ट्रेन चलने वाली है अपनी। गाइस अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, आप लोग डिपार्चर का फुल एंजॉय कीजिए।
गाइस ये ट्रेन 1905 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 44 होल्ट के साथ, 44 होल्ट के साथ 905 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो गाइस हम लोग अभी सायाबाद क्रॉस करने वाले हैं, आपको हम इसका स्किपिंग दिखाते हैं, जब स्किपिंग करेगी स्किप करेगी। बेटा काफ़ी स्लो स्पीड में अभी तो गाइस चलिए हम लोग इस ट्रेन का वॉशिंग टूर करवाते हैं। तो गाइस ये है इसका वॉशिंग टैप जो कि काफ़ी क्लीन है और पानी भी आ रहा है इस वक्त इस वजह से, और चलते हैं वाशरूम में। वाशरूम में एंट्री करते दोस्तों, पहले तो आपको यहाँ पे मिरर दिख जाएगा जो इतना भी क्लीन नहीं है, ज़्यादा भी क्लीन नहीं है। दोस्तों यहाँ पे टैप दिख जाएगा जिसमें से अभी पानी आ रहा है, जैसे वाटर फिलिंग है, पानी आ रहा है, और ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे फ्लश के लिए बटन दिया गया है कि आप यहाँ पे करके फ्लश दे सकते हैं, और नीचे काफ़ी गंदा है जो दिखा नहीं सकता आपको इस वक्त में, काफ़ी गंदगी है। तो गाइज अपनी ट्रेन 118 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके अलीगढ़ जंक्शन पहुंची। इसके स्टेशन कोड ALZN है, और यहाँ पे इसका 2 मिनट का स्टॉप है जो कि 2 मिनट की देरी से पहुंची है यहाँ पे।
तो गाइज आप लोगों को मालूम है कि अलीगढ़ किसे जाया जाता है, अलीगढ़ ताला फेमस है, यहाँ पर ताला बहुत मशहूर बनते हैं, ताला यहाँ पर काफ़ी फेमस है। और देख सकते हैं अलीगढ़ का जंक्शन का हाल काफ़ी बेहतर साफ सुथरा ही हो गया है पहले से। दोस्तों 2 मिनट के स्टॉप के बाद अपनी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से अलीगढ़ के, डिपार्चर का एंजॉय कीजिए। गाइज 148 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके अपनी ट्रेन हाथरस जंक्शन पहुंची है, जिसका स्टेशन कोड है HRS। और यहाँ पे जो अपना फेमस है, हिस्टोरिकल काफ़ी फेमस इलाका में यहाँ फेमस है हाथरस जंक्शन। और आप लोग देख सकते हैं हाथरस में भी इतनी क्राउड नहीं है, इतना भीड़ नहीं है चढ़ने के लिए भी। और अपनी ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट की डिले से पहुंची है। तो गाइस आप लोग जब भी हाथरस जंक्शन पे आए तो यहाँ पे थोड़ा बच के, यहाँ बंदर बहुत हैं, यहाँ बंदर आगे बहुत मिलेंगे आपको बंदर, तो सामान वामान बचा कर रखें अपना। तो गाइस नीलांचल एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हाथरस जंक्शन के डिपार्ट हो चुका है। ये लेंगे पहले आप, ये थोड़ा गंदा है। और बस थोड़ा साफ करवा दीजिए। तो गाड़ी नंबर 12876 नीलांचल एक्सप्रेस 196 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके टुंडला जंक्शन पहुंची है 5 मिनट डिले के साथ। और यहाँ पे टुंडला जंक्शन 7 प्लेटफॉर्म है टुंडला जंक्शन। और यहाँ से टोटल 183 ट्रेन डेली जाती है, ऑरिजिनेट कोई सी ट्रेन नहीं होती, 183 ट्रेन जाती है यहाँ पर रोज होके जाती है यहाँ से। और इस ट्रेन पर जो फेमस चीज़ है आपका है यहाँ का, आप मुझे कमेंट करते हैं इसका इस स्टेशन का फेमस चीज़ क्या है। और यहाँ पर बस इसका 3 मिनट का हॉल्ट है। और इस स्टेशन पे आप लोग खाने पीने सामान खरीद सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी सेवा उपलब्धि हैं, आप लोग आइए खरीद लीजिए, क्योंकि इससे पहले हाथरस में अलीगढ़ में इतना नहीं था, यहाँ पे खरीद सकते हैं आप। तो गाइड्स डिपार्चर भी हो चुका है 5 मिनट के डिपार्चर भी हो चुका है नीलांचल एक्सप्रेस का 5 मिनट के ब्रेक के साथ। हाँ 3 मिनट का स्टॉप दे दिया, 5 मिनट का स्टॉप, 2 मिनट लेट हो गए यहीं पे। बाय बाय टुंडला जंक्शन।
थोड़ा बहुत सामान लाए थे, ये ठेकुआ जो बोलते हैं बिहार में जो फेमस है, मम्मी ने बना के दिया था ये चीज़ भी। इसे टेस्ट करते हैं पता नहीं कैसा है। गाइज हमने खाना मंगाया था 12:30 बजे, खाना आ चुका है, अभी अभी ला के देंगे थोड़ी देर में, तो देखते हैं क्या क्या है खाने में, आइए देखते हैं। यहाँ पे 2 रोटी पराठा गर्मा गर्म और ये देखिएगा सोम पापड़ी दे दिया है। खाने में यहाँ पे दाल है और यहाँ पे एक मिक्स सब्जी है आलू की और ये चावल है गर्मा गर्म और 2 पराठे हैं। यहाँ पे गाइस लोगों ने अभी लंच फिनिश कर लिया है और खाने का टेस्टिंग के बात करना, खाना काफ़ी अच्छा था और बस ये था कि थोड़ा नमक थोड़ा सा सही नहीं था, मतलब कि जो दाल था उसमें नमक ज़्यादा था, मतलब हमसे ठीक था और कुछ। अभी बोले हैं कि बिल लेके आएंगे, देखते हैं बिल लेके आते हैं कि नहीं, अभी तक मैंने पैसे भी जमा नहीं किए, लोगों को दिए नहीं, खाना खा लिया है, बिल बोले बिल लेके आएंगे तब देखेंगे पैसे। पंकी धाम आके स्टॉप करी है, इन्हें स्टॉपेज है नहीं तब भी रुक गई यहाँ पे ये पंकी धाम। थोड़े से आगे बाद आपका चलेगा कानपुर, तो कानपुर में आपसे बात करते हैं। गाइस गर्मी बहुत पड़ रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है, मैंने अपना मुंह भी धो लिया गर्मी के कारण, तो पता नहीं अचानक सुबह सुबह ठंड लग रही थी, अचानक गर्मी बहुत तेज हो गई, गर्मी आ गई तो गर्मी लगेगी, अभी ट्रेन रुक गई है पंकी धाम पे भी उछल भी नहीं है, वैसे ही बहुत गर्मी लग रही है। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी कानपुर के मार्शल यार्ड में, आप लोग को देख सकते हैं मार्शल यार्ड यहाँ से। गाइड 467 किलोमीटर डिस्टेंस कंप्लीट करके अपनी विला से आंधार टू कानपुर का जब सफ़र पूरा किया है, और कानपुर सेंट्रल की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ 10 प्लेटफॉर्म है और इसका स्टेशन कोड CNB जो कि नॉर्थ इंडियन रेलवे कंट्रोल करता है इसको, और यहाँ पे इसका पहुँचने का टाइम 1:20 था और यहाँ पे पहुँची है 1:40 था, आधा घंटा लेट चल रही है हमारी ट्रेन, और हमारी ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 10। और आपको कानपुर की बात की जाए, यहाँ पे फेमस ही तो है कानपुर में आपकी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चीज़ है और काफ़ी बारूद सामान मिलते हैं यहाँ वही चीज़ें, और खाने में मट्ठा लस्सी है बहुत फेमस चीज़ है, आप लोग आइए जरूर ट्राई करिए। हम आए क्या करें भाई साहब, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है, सोची भी नहीं थी इतनी गर्मी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है सर, दिल्ली में है वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं, यहाँ पर आती हाथ खराब, बहुत गर्मी। यहाँ पर अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और चलते हैं आपको 10 मिनट बाद ही, अभी तो देखते हैं खाने पे ढूंढते हैं लिक्विड ढूंढते हैं पीने के लिए। और गाइस इस स्टेशन की ट्रेनों की बात की जाए तो यहाँ से कम 19 ट्रेन ऑरिजिनेट होती हैं और 461 ट्रेन यहाँ पे आके रुकती हैं। गाइस नीलांचल एक्सप्रेस को मिल चुका है डिपार्चर का सिग्नल, इन्हें हॉन्गिंग भी कर दिया है, चलिए डिपार्चर देखते हैं कानपुर सेंट्रल से।
क्या हवा सही चल रही है, मज़ा आ गया। इतना गहरा नहीं है, देखो ना गहरा नहीं है, देखो चल रहा है ऐसे ही। अरे हवा सही चल रही है। तो आइए हम इस ट्रेन के बारे में बात करते हैं, इसके फेयर प्राइस के बारे में। तो देखिए दोस्त, स्लीपर क्लास में जो भी आपका टिकट होगा वो 450 रुपीज़ होगा, जो आप मैं खाली बनारस तक बनारस तक। तो आनंद विहार टू बनारस के लिए जो स्लीपर क्लास में जो होगा टिकट आपका वो 450 का होगा। अरे आप थर्ड एसी में करवाते हैं तो 1180 का, और आप थर्ड इकोनॉमी क्लास में करवाते हैं तो 195 रुपीज़ का, मतलब 1095 रुपीज़ का। और आप सेकेंड एसी में करवाते हैं तो 1670 रुपये देने पड़ेंगे आपको, और फर्स्ट एसी में करवाते हैं तो 2805 रुपया। यदि आप इसमें अपना इसका पेंट्री प्राइस ऐड करवाना चाहते हो, आप स्लीपर छोड़ के जितनी भी आपको टिकट मिलेंगे सब में पेंट्री प्राइस ऐड रहेगा। तो गाइस 445 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुंच चुके हैं उनाव जंक्शन, जहां पे इसका स्टेशन, जहां पे इसका 2 मिनट का स्टॉप है। और दोस्तों उनाव जंक्शन ये कानपुर के मतलब कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर ही आता है, कानपुर से कम 12-15 किलोमीटर आ गई है। और ये कम से कम 40 मिनट के डिले से पहुंची है यहाँ पे। अभी देख सकते हैं यहाँ पे आते ही बहुत सारे क्राउड हो गए हैं। गाइस अपने यहाँ पे ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट हो गया, यहाँ पे वाटर फिलिंग और शायद ट्रेन मैनेजर भी चेंज हो गए। और हम लोग दोस्तों पहुँचे हैं लखनऊ के NR, लखनऊ चारबाग नॉर्थ रेलवे में पहुँचे हैं, लखनऊ ईस्ट रेलवे में नहीं, नॉर्थ रेलवे, क्योंकि नॉर्थ रेलवे सबसे बड़ी लाइन मानी जाती है इस लाइन की, और ये सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है लखनऊ में। गाइस मुझे कमेंट कर दीजिए कौन कौन लखनऊ है, लखनऊ सिटी लिख के फिर कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ये है लखनऊ का वेटिंग रूम, मतलब काफ़ी मतलब जितने भी स्टेशन देखे हैं सारे स्टेशन में बेहतर यही लगा मुझे भाई लखनऊ का, बिल्कुल शांति, कुछ भी करो कोई मतलब नहीं किसी से, आराम से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लखनऊ समय सारणी जितनी भी ट्रेनें आती हैं सबकी संख्या, सबकी लिस्ट यहीं पर है, जिनके पास कोई ऑनलाइन सुविधा नहीं वो यहाँ पर भी देख सकता है आके। और सामने से आपका टिकट काउंटर है जहाँ पर टिकट ले सकते हो, आप अपने ट्रेन के लिए यहाँ पे वेट कर सकते हैं, यहाँ मतलब कई जगह टिकट काउंटर है और अपनी ट्रेन वहाँ खड़ी है। दोस्तों लखनऊ पे 25 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का हो रहा है डिपार्चर, 5 मिनट एक्स्ट्रा रुक गई यहाँ पे और अपनी ट्रेन हो चुकी है यहाँ पे 50 मिनट डिले। बाय बाय लखनऊ। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बरेली रेलवे, रायबरेली रेलवे स्टेशन, जो कि ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे है इसका स्टेशन कोड है RBL, और यहाँ पे कुल स्टेशन है 4 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। और अपनी ट्रेन यहाँ पहुँची है 1 घंटा 20 मिनट डिले। तो आपको नेक्स्ट मुलाकात करते हैं भदोही में, तो मुलाकात वहीं पर होगी भदोही में, क्योंकि अभी आपको दिखाने के लिए है ही नहीं। गाइज हम लोग 645 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके पहुंच चुके हैं MBDD प्रतापगढ़ जंक्शन। तो यहां पर हमारी ट्रेन पहुंची है 1 घंटा 20 मिनट डिले, बीच में डिले हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो अभी यहां पर वैसे रात हो रही है काफ़ी, मतलब काफ़ी सही स्टेशन है ये भी। यहां पर अपनी ट्रेन का है मात्र 3 मिनट का स्टॉप, तो चलते हैं अंदर, आपको मिलते हैं सीधे भदोही में, इसके नेक्स्ट स्टॉप भदोही है।
तो गाइस मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी सही है। अपनी ट्रेन की पंक्चुअलिटी थोड़ी सही नहीं लग रही इस वक्त मुझे, क्योंकि देखिए बीच में स्टार्टिंग तो कानपुर तक तो इतनी बढ़िया चली ट्रेन, इतनी बढ़िया ट्रेन चली कि कोई अंदाजा नहीं था। फिर बीच में बहुत लेट हो गई इस दिन तक। पंक्चुअलिटी ठीक है, तब भी आप लोग कानपुर तक ट्रैवल करते हैं तो काफ़ी ट्रेन सही है, और इतनी डिले भी नहीं है, क्योंकि बीच में डिले इसलिए हुई थी कि बीच में आउटर में काफ़ी ट्रेन डालने के रोक दिया गया था इसको भी। कोई नहीं, मतलब मेनली इतनी ट्रेन लेट होती नहीं है, लीलांचल एक्सप्रेस इतनी ट्रेन लेट होती नहीं है। और भीड़ की बात, बिल्कुल भीड़ नहीं है अभी तक। लोग बोल रहे हैं कि बनारस में बहुत भीड़ होती है, देखते हैं बनारस में भीड़ होती है कि नहीं होती। गाइस हम लोग 760 किलोमीटर कवर करके पहुंच चुके हैं भदोही रेलवे स्टेशन, और ये आता है लखनऊ डिवीज़न में आता है भदोही रेलवे स्टेशन। और क्या बड़ा स्टेशन नहीं है, छोटा स्टेशन है। यहाँ पे आपको फैसिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, वेटिंग रूम है आपके लिए, लॉन्चेस हैं और खाने की काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, और अपनी ट्रेन यहाँ पर आके रुकी है। और इसके बाद ही है डायरेक्ट अपना वाराणसी जंक्शन, तो आप डायरेक्ट वाराणसी जंक्शन में मिलते हैं, क्योंकि क्या दिखाएंगे, रात हो रही है वैसे भी। गाइस 104 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, आंधी से लेके वाराणसी जंक्शन तक का पूरा सफर किया, और 20 मिनट की देरी के बाद मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे छोड़ा है। अब गाइस मैं ब्लॉग के एंड करता हूँ, क्योंकि ब्लॉग वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है, और आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, जिनको अच्छा लगा वही करें, जिनको अच्छा लगा वो ना करें बिल्कुल भी। और आपको ऐसे अगले ब्लॉग में मिलते रहेंगे। बाय, टेक केयर, गुड गाइस।